स्मार्ट कास्ट आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है रेडियो नशा प्रोडक्शन। वेलकम टू क्रेजी फॉर किशोर सीजन 2। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमित कुमार। क्रेजी फॉर किशोर सीजन 2। बाबा के कई किस्से मैंने आपको सुनाए, लेकिन आज मैं लेकर आया हूँ सबसे मजेदार किस्सा। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ बाबा के क्लब के बारे में, बढ़िया खाले करारी गजक, और उस क्लब के अनोखे रूल के बारे में, और बताऊंगा क्लब का रूल फॉलो करने के लिए बाबा और उनके क्लब के मेंबर्स कितने डेडिकेटेड थे, आखिर क्यों बाबा और उनके क्लब मेंबर्स को डांट खानी पड़ी पृथ्वीराज कपूर जी और केन सिंह से, साथ ही बताऊंगा क्लब के इस नाम का मतलब क्या है और आखिर ये लाइन आई कहां से। ये सारी बातें बस कुछ ही देर में। बाबा तो मस्ती के मूड में होते ही थे, लेकिन उनके साथी भी कम नहीं थे। बाबा और उनके दोस्तों का एक क्लब भी था जिसका नाम था बढ़िया खाले करारी गजक। इस क्लब के एक्टर मेंबर थे मशहूर कॉमेडियन ओम प्रकाश, रिकॉर्डिस्ट बीएन शर्मा, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने के चितलकर यानी श्री रामचंद्र, और कॉमेडियन सुंदर। इस क्लब का एक नियम था कि जब भी कोई एक दूसरे को देखेगा तो उसको गाना ही पड़ेगा। क्या गाना पड़ेगा? बढ़िया खाले करारी गजक। चाहे कैसा भी मूड हो, कोई भी सिचुएशन हो, सामने वाला किसी के भी साथ हो, कोई भी जरूरी से जरूरी काम कर रहा हो, उसको ये गाना ही होता था। अगर कोई एक दूसरे को देखकर बढ़िया खाले करारी गजक नहीं गा पाता था तो उसको 5 रुपए का फाइन लगता था, यानी कि 5 रुपए देने पड़ते थे। पैसे बचाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे, एक दूसरे को देखते ही शुरू हो जाते थे बढ़िया खाले करारी गजक। क्लब के इस रूल को फॉलो करने के लिए ये सब किस किस सिचुएशन में फंसे, मैं आज आपको बता रहा हूँ बाबा के क्लब बढ़िया खाले करारी गजक के बारे में, जिसका रूल था कि जब भी कोई दूसरे को देखेगा तो उसे गाना ही पड़ेगा बढ़िया खाले करारी गजक, नहीं तो 5 रुपए का फाइन देना पड़ता। मतलब अगर सिग्नल पर बाबा की गाड़ी रुकी और ओम प्रकाश भी उसी सिग्नल पर रुके, एक दूसरे को देख लिया तो दोनों गाना शुरू कर देते थे बढ़िया खाले करारी गजक। बहुत साल पहले की बात है, उसी दौरान फेमस कॉमेडियन गोप की डेथ हो गई। अब इन सबको वहाँ जाना था, सबने सोच लिया कि एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि ये सब एक दूसरे के सामने आ गए। अब क्या करें, तो सब आसपास खड़े होकर धीरे धीरे विस्परिंग टोन में गाने लगे बढ़िया खाले करारी गजक, बढ़िया खाले करारी गजक, अरे बढ़िया खाले। अभी ये सब गा रहे थे तो बाजू में से मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर जी और केन सिंह भी खड़े थे, उन दोनों ने सुन लिया और गुस्से से बोले बाहर निकालो इन चारों को, पागल है यहाँ से, गेट आउट, यहाँ गाना गा रहे इन लोगों। ऐसा नहीं कि उन लोग मजाक उड़ाते थे, वो लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, इसलिए वो कहते थे लाइफ इज अ ट्रेजेडी, लाइफ इज अ कॉमेडी, जस्ट मूव ऑन मूव ऑन। ये उनका एक अलग फिलोसफी था ये चारों दोस्तों का, इसीलिए उन लोग हर सिचुएशन में बोलते थे बढ़िया खाले करारी गजक, अब मैं भी चला खाने करारी गजक। आज मैं आपको बाबा के क्लब बढ़िया खाले करारी गजक के बारे में बता रहा हूँ। ये बातें सुनकर आप सोच में पड़ गए ना कि ये बढ़िया खाले करारी गजक है क्या। भाई 1954 में एक फिल्म बनी थी नौकरी, जिसमें बाबा ने काम किया था एज ए हीरो। उसमें संगीत था सलील चौधरी का और गाने लिखे थे शैलेंद्र जी। उस फिल्म में एक सीक्वेंस है जहाँ पे पार्क में पिताजी आते हैं और ये धुंधला हुआ मौसम है जहाँ पे सब बच्चे लोग खेल रहे हैं पार्क में, वहाँ पर एक भेलपुरी वाला भेलपुरी बना रहा है और बैकग्राउंड में गाना गा रहा है। वो वॉयस एक्चुअली था शैलेंद्र जी का, उन्होंने वो गाना गाया था, कुछ इस टाइप का ट्यून था, अरे दिन से आया है आया है आया है बढ़िया खाले करारी गजक डंग 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 डंग। कपिल शंकर की माया है, मैं मथुरा जी से आया है, ये माल मसाले लाया है,
बढ़िया खाले करारी गजक। ये जो लाइन बढ़िया खाले करारी गजक, तब से पिताजी के दिमाग में अटक गया और यहाँ से जन्म हुआ बढ़िया खाले करारी गजक का। लेकिन जब मैं भी बचपन से जब भी मैं देखता था पिताजी ओम प्रकाश जी से मिले तो बढ़िया खाले, श्री रामचंद्र जी से मिले वही करते थे। तो एक दिन मैंने बीएन शर्मा जी रिकॉर्डिस्ट उनसे जाके पूछा कि अंकल ये बढ़िया खाले करारी गजक का रियल मीनिंग क्या है, ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ क्या, व्हाट इज द मीनिंग प्लीज रिवील टू मी। तब उन्होंने मुझे बताया बेटा ये तेरे बाबा ने शुरू किया है, जब भी कोई अच्छी सुंदर लड़की जाती है ना तो उसको कोई कमेंट करने से बुरा लगता है, तो तेरे बाबा ने ये लाइन निकाली, कोई भी अच्छी लड़की जाती तो हम उसकी तारीफ ऐसे ही करेंगे, कैसे, धीमे से बढ़िया खाले कड़ारी गजक, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा और हम बात भी कर लेंगे। उसके बाद जब हमने ये क्लब बनाया तो यही लाइन साथ ले ली, तो उस दिन मुझे पता चला कि बढ़िया खाले करारी गजक का सही मतलब क्या है। लेकिन आप कहीं इसे इस्तेमाल करने के चक्कर में मत पड़िएगा। इसे क्रेजी फॉर किशोर सीजन 2 की टीम का वास्तविक रूप से कोई संबंध नहीं होगा। तो इसी सूचना के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलूंगा आपसे ओनली ऑन क्रेजी फॉर किशोर सीजन 2। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था रेडियो नशा प्रोडक्शन HD स्मार्ट कास्ट।